घर बैठे बैठे इते बजा रहे, अरे बैठे बैठे इते बजा रहे, तुम तो बंसी चैन की। जब सुपनखा के नाकन कट गए तो सुपनखा अपने भंजन के पास गई, खर और दूसरे के पास, और दो की चार झूठी बातें बना बना के भंजन को उकसान लगी। कहने लगी, देखें आप त्रिया चरित्र, जिन्हें लंका को चौपट करवा दो। अरे बैठे बैठे इते बजा रहे, तुम तो बंसी चैन की। बैठे बैठे इते बजा रहे, तुम तो बंसी चैन की। और नाक काट लई भज्जा उनने, आज तुम आई बहन की। नाक काट लई भज्जा उनने, आज तुम आई बहन की। अब चलो तुम मोरे संग में, उनको क्रिया कर्म करो। और हाथ पकड़ लो नास मिटन ने, कत्ते मुँह से ब्याह करो। हाथ पकड़ लो नास मिटन ने, कत्ते मुँह से ब्याह करो। जो भजन ने सुनी के बहन को हाथ पकड़ लो, भजताओं में आ गए, बोले चलो देखें को है। चले, अरे चले दो भैया, अरे चले दो भैया, अपनी मूछन खोएठ के चले दो भैया, अपनी मूछन खोएठ के काट गई बिलज्जा। असगुन हो लगो साहब, अरे काट गई बिलज्जा, गली द्वारे पे बैठ के चले दो भैया, अपनी मूछन खोएठ के। आगे आगे खर दूसन, पाछे पाछे सेना। आगे आगे खर दूसन, पाछे पाछे सेना। और जा रही बताते गैल होनी बन बैना, जा रही बताते गैल होनी बन बैना। ईखा फिकर अपने भंजन की है ना। और अरे चले बातो आगे आगे, चले बातो आगे आगे, धुतिया समेट के चले दो भैया, अपनी मूछन खोएट के चले दो भैया। और जैसे भगवान राम के पास पहुंचे तो साहब का भाव, अरे हाहाकार मची जंगल में, ए हाहाकार मची जंगल में, करो राम ने जरवड्डा। हाहाकार मची जंगल में, करो राम ने जरवड्डा। और तनक देर में खर दूषण के, तनक देर में खर दूषण के, टोर दए हड्डा हड्डा। हाहाकार मची जंगल में, करो राम ने जरबड्डा, तनक देर में खर दूषण के, टोर दए हड्डा हड्डा। और दुखत फिरे जंगल में दानो, ए दुखत फिरे जंगल में दानो, कर कर धरती में गड्ढा। और ढूंढ ढूंढ के राम लखन ने, मिटा दए उनके अड्डा। और भगी बहन अब जान बचा के, अब भगी बहन, अरे भगी बहन अब जान बचा के, झोंका हो गो दद्दा। और दो लड़कन के आगे पर गए, बड़े बड़े जोधा फद्दा। हाहाकार मची जंगल में, करो राम ने जरवड्डा, तनक देर में खर दूषण के, टोर दए हड्डा हड्डा। तनक देर में खर दूषण के। भगी बहन अब जान बचा के, जो का होगा वो दत्ता। दो लड़कन के आगे पर गए, बड़े बड़े जोधा फद्दा। सुपने का भगी और लंका में पहुंची, लेकिन लंका में उनकी भौजी ने, यानी मंदोदरी ने देख लो, बोल काय बिन्नू, जो खून भिड़ा फिर रही, तुम कहाँ से आ रही, ये नाकान किने काट लाए। तो सुपने खा ने सारी बात बताई,
तो मंदोदरी कहने लगी नंद से गई काए खो हती उते तुम, गई काए खो हती उते तुम, अरे परत चैन खुद खो नैया। उते काए खो गई थी तुम्हें खुद चैन नहीं परत, कहने लगी गई काए खो हती उते तुम, अरे परत चैन खुद खो नैया। अब के रही के नाक काट लई बिन्नु तुम भी कम नैया, अब के रही के नाक काट लई बिन्नु तुम भी कम नैया। अरे तुम्हें भोरिया है पावन में चांज देखो सुट जाती, अरे तुम्हें भोरिया है पावन में चांज देखो सुट जाती, ले लेके उर जट्टो बिन्नू चाय का उसे कुट जाती, तुम चाय का उसे कुट जाती। भली करी के जान बगस दई, ठीक करो उन्ने का तुम्हें छोड़ दो, कहने लगी भली करी के जान बगस दई, और डरी डरी नहीं सड़ जाती मैं, डरी डरी नहीं सड़ जाती। अरे कटवा लई बांसे से ऐसी बहन होत नहीं मर जाती, हाँ बहन होत नहीं मर जाती, हाँ बहन होत नहीं मर जाती। और बिन्नू जैसो तुम उन्हें समझ रही बे वैसे बिल्कुल नहीं है, कहने लगी बे है मर्यादा व्रत धारी, बे है मर्यादा व्रत धारी बिन्नू बे ऐसे नैया। अब कह रही के नाक काट लई बिन्नू तुम भी कम नैया, अब कह रही के नाक काट लई बिन्नू तुम भी कम नैया। समझा रही मंदोदरी, और बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं सुने। अरे शरम बड़ो सिंगार जगत में एक सतवंती नारी को, एक सतवंती नारी को सबसे बड़ो सिंगार होता ही शरम और लाज, और बात तुम्हें है नहीं है, कहने लगे शरम बड़ो सिंगार जगत में एक सतवंती नारी को, कुगत होत अपनो पति छोड़े करें और से यारी को, हाँ करें और से यारी को, हाँ करें और से यारी को। अपने पति से प्रेम करो ना, अपने पति से प्रेम करो ना, मर्द पराए खां देखो, हाँ मर्द पराए खां देखो, चारों पहर करत रहो सेवा पतिखों परमेश्वर लेखो, हाँ पतिखों परमेश्वर लेखो, हाँ पतिखों परमेश्वर लेखो। और हमारे त्यागी जी लिखते हैं, त्यागी तपसी परमेश्वर भी, त्यागी तपसी परमेश्वर भी बड़ो पति से है नैया। अब कह रही के नाक काट लई बिन्नु तुम भी कम नैया, अब कह रही के नाक काट लई बिन्नु तुम भी कम नैया। लेकिन सुपनखा को अपनी भौजे की बातें अच्छी नहीं लगी, उनकी शिक्षा अच्छी नहीं लगी। कहां से कथ भी है कि जो आदमी गलत होता है भाई अच्छी बातें अच्छी नहीं लगा, कहने लगी सुपनखा अरे भौजी बातन में हम खा बिलमाओना, और भौजी बातन में हम खा बिलमाओना, भज्जा काहे जा बताओ ना, भौजी बातन में हम खा बिलमाओ ना, भज्जा काहे जा बताओ ना। भौजी ने सोची कि अगर जी ऐसी हालत में भज्जा के पास पहुंच गई तो ना मालूम मैं गुस्सा में क्या कर दें, तो भौजी टार वो सोच रही कि टर जावे, और कहने लगी अरे उनकी नैया तबीयत ठीक, अरे उनकी नैया तबीयत ठीक, और बात ना हो पावे जालीक, और बुझा ले जा बिन्नू सीख,
बोली उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तुमने खून मुन पहुंच लो बदनामी हो जाए, अपन बहुत बड़े परिवार के हैं। कहन लगी अरे उनकी नैया तबीयत ठीक और बुझा ले ओ जा बिन्नू सीख और बात ना हो पावे जा लीक और तुम टपरिया में आगी लगाओ ना और तुम टपरिया में आगी लगाओ ना भज्जा काहे जा बताओ ना भौजी बातन में हम खा बिलमाओ ना भज्जा काहे जा बताओ ना। अब साहब सुपनखा को टार के मनोदरी मस्कऊ रावण के पास पहुंची, समझाने लगी कि देखो तुम्हारी बहन का लक्षण ठीक नहीं है, समझा लो। और कहन लगी ननद बाई भो तई सरग धरे ननद बाई भो तई सरग धरे और करे देत लंका को चौपट बिन्नू हरे हरे ननद बाई भो तई सरग धरे ननद बाई भो तई सरग धरे करें देत लंका को चौपट बिन्नू हरे हरे मिलो मुनसे लंका में नैया कौनों उनके जोग बलम जू कौनों उनके जो बोली उन्हें कौन लंका में नहीं मिलो होता गई थी पंचवटी में मिलो मुनसे लंका में नैया कौन उनके जोग बलम जो कौन उनके जोग पंचवटी में जर से मिट गओ ननद बाई को रोग ए पंचवटी में जर से मिट गओ ननद बाई को रोग फिरती लुक लुक बहुत करें फिरती लुक लुक बहुत करें करें देत लंका को चौपट बिन्नू हरे हरे। मनोदरी की बात सुनकर रावण मनी मन में बहुत प्रसन्न भाव, क्योंकि रावण प्रकांड विद्वान था और त्रिकालदर्शी था। वो समझ गओ कि विधाता को आगमन हो गओ और हमारे उद्धार की बेरा आ गई। कहन लगो मन में ऐसो अवसर फिर नहीं मिले है ऐसो अवसर फिर नहीं मिले है निश्चर कुल के तरवे को। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं और अंतिम पंक्तियां हैं, सुने ऐसो अवसर फिर नहीं मिले है निश्चर कुल के तरवे को करो फैसला दस कंदर ने जनक नंदिनी हरवे को करो फैसला दस कंदर ने जनक नंदिनी हरवे को। अरे नैया आज फिकिर रावण खो बैन की इज्जत घटवे की नैया आज फिकिर रावण खो बैन की इज्जत घटवे की नैया आज फिकिर रावण खो खरदूषण के मरवे की हाँ खरदूषण के मरवे की हाँ खरदूषण के मरवे की आज फिकिर रावण खो केवल आज फिकिर रावण खो केवल भव से पार उतरवे की हाँ भव से पार उतरवे की हति सुखद बेला लंका की किस्मत आज सुधरवे की हाँ किस्मत आज सुधरवे की हाँ किस्मत आज सुधरवे की दो परम सौभाग्य विधि ने दो परम सौभाग्य विधि ने राम के हाथन मरवे को करो फैसला दसकंदर ने जनक नंदिनी हरवे को करो फैसला दसकंदर ने जनक नंदिनी हरवे को ऐसो अवसर
फिर कामिल है निश्चर कुल के तरवे को करो फैसला दसकंदर ने जनक नंदिनी हरवे को करो फैसला दसकंदर ने जनक नंदिनी हरवे को।